The topic which we are going to discuss is theories of accident causation. If we see here, the accident incident theory is an extension of human factors. It was developed by Dan Peterson and is something referred to as Peterson accident incident theory. If we see the incident accident theory, it means that if any situation arises in an organization, how someone should behave in that particular situation. Peterson introduced such new elements as an ergonomic traps, the decision to err, and system failure, while retaining much of the human factor theory. यहाँ पे पीटर ये बताना चाहता है कि अगर इन फैक्टर को कंसीडर किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसिडेंट या किसी किस्म की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और जब हम इन फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मॉडल बेस्ड ऑन हिज थेरी शोन इन फिगर सच एज पीटरसन एक्सीडेंट इंसिडेंट थेरी इफ यू सी हेयर फर्स्ट पॉइंट इज ओवरलोड हेयर वी सी द प्रेसर फिटीक मोटिवेशन ड्रग्स अल्कोहल वीज आर द फैक्टर्स विच आर कॉमनली यूज बाय द इम्प्लाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाई मोटिवेटेड नहीं होगा ड्रग्स यूज करेगा अल्कोहल यूज करेगा या अंडर स्ट्रेस होगा इन फैक्टर को ओवरलोड हम कहेंगे इनकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजर्ड होने के या एक्सीडेंट होने के चांसेस इनक्रीज हो जाते हैं एल्ग्रोमिक ट्रैप्स इनकम्पैटिबल वर्क स्टेशन साइज फोर्स रीच फील ये वो फैक्टर हैं जहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं होती इसका मतलब है इनकम्पैटिबिलिटी होती है मसलन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइज ऑफ़ वर्क प्लेस वेयर इंडिविजुअल इज गोइंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ अगर इंडिविजुअल काम ठीक करना चाहता है वहाँ पे स्पेस कम है तो वहाँ पे भी उसके हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं डिसीजन टू अ मिस जजमेंट ऑफ द रिस्क बात आपकी जो जजमेंट है वो एकट नहीं होती इसको हम मिस जजमेंट कहते हैं और मिस जजमेंट की वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी क्रॉस करके आगे ले जाना चाहते हैं और अगली गाड़ी स्पीड के साथ आपसे गुजरने में प्रॉब्लम पेश कर रही है तो वहाँ पे आपकी जो जजमेंट है अगर वो मिस जजमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी इंक्रीज सम टाइम इंसान मिस जजमेंट की वजह से भी एक्सीडेंट का बायस बन जाता है अनकॉन्शियस डिज़ायर टू अर् लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सम टाइम प्रॉब्लम का बायस आप बन सकते हैं इन सब फैक्टर को अगर कंबाइन किया जाए तो ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो कि गलती का बायस बनते हैं और इनकी वजह से व्हाट विल हैपन दैट विल बी एक्सीडेंट और जब एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पे इंजरी होगी डैमेज होगा अगर इसको एक्सीडेंट से पीछे देखा जाए तो सिस्टम फेलियर के भी कुछ फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग इंस्पेक्शन कलेक्शन स्टैंडर्ड्स अगर इन फैक्टर को जिनको हम एस बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर इनको फॉलो किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं थेरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन को अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो एपिडेमिक अपीडामिकरी के अंदर प्रेजिडेंशल एंड प्री डिस्पोजिशनल करेक्ट्रिस्टिक्स एंड सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों में डी स्टूडेंट्स फ़र्क है प्री डिस्पोजिशनल करेक्ट्रिस्टिक्स में सक्सेसबिलिटी ऑफ पीपल परसेपन ऑफ पीपल हाउ दे परसिव अबाउट समथिंग एंड एनवामेंटल फैक्टर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और सिचुएशनल फैक्टर में रिस्क असमेंट ऑफ इंडिविजअल फीय प्रेशर पियर प्रेशर में आपके सब कु का प्रेशर होता है जिसमें सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट ये सारे लोग शामिल होते हैं प्रायॉरिटीज ऑफ दी सुपरवाइजर बाज़ा सुपरवाइजर ने आपको टास्क दिया होता है लेकिन वो चाहता है कि कोई एक काम है वो पहले परफार्म किया जाए सबॉनेट शुड पर हर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द सुपरवाइजर बत आपका दिल नहीं काम करने को कह रहा होता बत बहुत एक्साइटेड होते हैं मोटिवेटेड होते हैं अब इन फैक्टरों को भी देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब किसी आउटपुट को अचीव किया जाता है अगर इन दोनों को कम्बाइन किया जाए एपिडमोलॉजिकल थेरी में तो इसमें प्री डिस्पोजिशनल करेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इनकी वजह से हम कैन काज और प्रिवेंट एक्सीडेंट कंडीशंस ये पॉइंट सामने आता है इसका मतलब है इन फैक्टर की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट से बचा जा सकता है अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये थेरी बेसिक है क्या एपिडमोलॉजिकल स्टडी ऑफ काजल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड डिजीज कि वो जो डिजीज़ है वो किन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुई इसको हम लोग एपिडमोलॉजिकल थेरी ऑफ एक्सीडेंट्स बोलते हैं सिस्टम थेरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन इफ़ वी सी द सिस्टम थियरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन तो इस थेरी का डियर स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जब कोई एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंकर्ड होता है तो उसमें इंडिविजुअल का अमल दखल कम होता है बल्कि सिस्टम का अमल दखल ज़्यादा होता है इसको हम लोग सिस्टम थेरी ऑफ काजेशन एक्सीडेंट बोलते हैं दिस थेरी व्यूज आ सिचुएशन इन विच एन एक्सीडेंट में अकर्ड एज आ सिस्टम कम्प्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेट्स नंबर वन पर्सन पोस्ट मशीन एजेंसी एंड एनवामेंट अब ये तीन फैक्टर हैं अगर इन तीनों फैक्टर में एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन यूज हो रहा है और वह फेवर में है तो एक्सीडेंट के चांसिस कम हो जाएंगे अगर ये तीनों के दरमियान बेहतरीन कम्बिनेशन नहीं तो एक्सीडेंट के चांसिस इनक्रीज हो जाएंगे जैसा कि यहाँ बयान किया गया है द ऑफ एन एक्सीडेंट अक्रिंग इज डिटर्मेंड बाई हाउ दिज कम्पोनेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर देन चेंजिस इन द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन कैन इनक्रीज और रिड्यूस द प्रोबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट तो अगर इस स्लाइड को कंक्लूड किया जाए तो इसका ये मतलब है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल शख्स मशीनरी और एनवायरमेंट अगर ये तीनों चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे अगर ये तीनों चीज़ों के अंदर बेहतरीन कम्बिनेशन यूज नहीं हो रहा तो एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे फीडबैक लूप फीडबैक लूप में तीन चीज़ें अब अभी मैंने आपसे डी स्टूडेंट जो शेयर किया मशीन पर्सन एनवायरमेंट ये तीनों चीज़ें आपस में इंट्रैक्शन करती हैं फिर क्या होगा कलेक्ट इंफॉर्मेशन वे रिस्क मेक डिसीजन अगर ये तमाम चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में हैं दैन टास्क टू बी परफॉर्म्ड तो आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट होगा इसको हम लोग फीडबैक लूप कहते हैं अगर ये तमाम चीज़ें फेवरेबल सिचुएशन में नहीं टास्क विल बी परफॉर्म्ड बट नॉट इन एन एक्ोरेट वे फिर वो टास्क एकट वे में परफॉर्म नहीं होगा कम्बिनेशन थेरीज ऑफ एक्सीडेंट काजेशन अगर हम लोग देखें एक्सीडेंट काजेशन के अंदर कम्बिनेशन थेरी भी यूज हो रही है और वो कम्बिनेशन थेरी है क्या इसको डी स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन थेरी द एक्चुअल काज मे कम्बाइन पार्ट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट मॉडल्स जो एक्चुअल थेरी है उसमें अगर देखा जाए तो सेवरल मॉडल्स एज अ होल यूज हो के हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं या एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं इसको हम बेसिकली कम्बिनेशन थेरी बोलते हैं सेफ्टी पर्सोनल शुड यूज दीज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन एंड एक्सीडेंट इन्वेंशन। इसमें दो टर्म डी स्टूडेंट्स यूज हुई है नंबर वन प्रिवेंशन एंड नंबर टू एक्सीडेंट इन्वेंशन। प्रिवेंशन का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि अगर कोई काम होने जा रहा है उससे पहले ही हमारे मैकेनिज्म इस तरह के डेवलप हो जाए कि वो काम होने से पहले उसको रोका जा सके इसको प्रिवेंशन कहते हैं और जब कोई एक्सीडेंट हो जाए उसको इन्वेस्टिगेट करने के अमल को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तो कम्बिनेशन थेरी इन दोनों को डील कर रही है देन हाउ एवर दे शुड अवॉइड टेंडेंसी टू ट्राई टू अप्लाई वन मॉडल टू ऑल एक्सीडेंट्स इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन को तमाम सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता इसको हम लोग बोलते हैं कंबिनेशन थेरी ऑफ एक्सीडेंट काजेशन